नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा कूलर जिसे अगर एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कूलर नहीं बल्कि एसी का काम करता है। आप इसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतने सस्ती रेंज में कोई प्रोडक्ट अगर आता है तो उसमें इतने सारे फ़ीचर्स कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, लो, मीडियम और हाई में। उसके अलावा आपका इसमें एलईडी लाइट्स है, यानी कि ये आपका नाइट बल्ब की तरह काम करेगा। इसमें काफ़ी कलर्स की लाइट है और साइड में जो पैनल है उसमें लाइट्स आपको नज़र आती हैं। यहाँ से आप लाइट चेंज कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर ऑन ऑफ बटन इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको में पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ब्लेड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हवा कहाँ पर जानी है कहाँ नहीं जानी है। उसके साथ साथ ही आपकी एयर को फिल्टर भी करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको अनबॉक्स करके। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक बॉक्स है इसमें, इसमें आपकी आई थिंक डेटा केबल है, डेटा केबल इसमें मिलती है। डेटा केबल की लेंथ काफ़ी अच्छी है, लगभग 1 मीटर के आसपास है और क्वालिटी भी, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये है आपका मेन यूनिट, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये यहाँ पर आपका पावर बटन है, यहाँ से आप आपकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका लाइटिंग का बटन है, पीछे आपका फ़ैन लगा हुआ है, ये आपका फ़ैन है पीछे, और आगे आपका ये पैनल है। इसको दिखा देता हूँ पहले मैं अस्थि पंजर इसकी निकाल के। जैसे आपके कूलर में घास होती है ना, उसमें घास की जगह इसमें फ़िल्टर लगे हुए हैं। ये नीचे से पानी को लिफ्ट करते हैं और पानी ऊपर आता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर पहुँचता पानी, ठंडी हवा आपको मिलने लग जाती है। तो इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ और आपको चला कर दिखा देता हूँ। पहले ये डेटा केबल लगा देते हैं इसके पीछे। इसको आप किसी भी अडाप्टर जो 5 वोल्ट का हो उससे चला सकते हैं। तो चलिए ऑन करके देखते हैं इसको। ये आपका ऑन हो गया है। जो स्पीड अभी आपकी फर्स्ट स्टेप पर है, अभी इसको और बढ़ाते हैं। ये सेकंड स्टेप पर है, थर्ड स्टेप पर है। ऑलमोस्ट स्पीड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। अगर मैं एक पर्टिकुलर एक पर्सन की बात करूं, इसके सामने कोई बैठता है तो काफ़ी अच्छी हवा है। इसके अलावा इसकी आवाज़ कम कर देते हैं। ये इधर से इसकी लाइटिंग है, पूरा पैनल नज़र आता है आपको, जैसे एक स्लिम पैनल होता है, पैनल है। इसमें लाइट को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ब्लू है इसको रेड कर लीजिए, थोड़ा सा आपको लाइटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए लाइट्स कम कर देता हूँ मैं। इस तरह से मल्टीपल लाइट्स आप कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, सो सेकंड आता है, इसमें आप पानी डालते हैं। तो पानी डालने के लिए आपका ये साइड में एक जगह दी हुई है, यहाँ से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और दूसरा ये आप याद रखिए कि अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर और तो आपके पास चार्जर नहीं है, तो आप उसकी जगह इस तरह से पावर बैंक में भी इसमें लगा सकते हैं, पावर बैंक से ये चल जाएगा इजीली। चलिए पानी डाल के दिखा देता हूँ आपको।
इसमें अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। आइस क्यूब भी डाल सकते हैं उसकी जगह। ऑलमोस्ट इसमें 600 ml पानी आ जाएगा, यानी कि आधा लीटर से थोड़ा सा फालतू पानी इसमें आ जाता है। तो अब आप जब इसको चलाते हैं तो अब आपको ये ठंडी हवा देना शुरू कर देगा। हाँ, मैं फील कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ठंडी हवा आने लग गई है। एक्चुअली इसमें जो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, आपका जो यहाँ सीधा पानी आ जाता है, पानी आपका उठना शुरू हो गया, लिफ्ट होना शुरू हो गया धीरे धीरे। देखिए ना, गीले हो गए हैं, मैं फील कर रहा हूँ गीले हो गए हैं अभी, लेकिन ये वाले सूखे हैं, यहाँ से गीला होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे पूरा एंड तक आ जाएगा ये आपका ठंडी हवा देना शुरू कर देगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको ये 1200 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बल्क क्वांटिटी उठा सकते हैं, मिनिमम 100 पीस हमारा ऑर्डर रहता है क्योंकि हमारी पेटी 100 पीसेस की आती है। तो अगर आप इसकी बल्क क्वांटिटी उठा सकते हैं तो ये 400 रुपये प्लस GST, 400 प्लस GST प्लस फ्रेट, ये आपको पड़ता है। बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं तो मैं 10 में से इसको 5 नंबर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी के लिए है। लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपको फेस इसके सामने करके बैठना होगा क्योंकि ये पूरे कमरे को, आपके रूम को ठंडा नहीं करेगा। ये आपके सिंगल यूज़र के लिए है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।